कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अब तक 23 लोग वायरस के शिकार बन चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य के मजदूरों को भत्ते के रूप में 1,000 रुपए दी जाए। उन्होंने कहा है कि 15 लाख दिहाड़ी मजदूर और 20,37,000 निर्माण किसानों को उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने प्रदेश में आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। उन्होंने कहा है कि मजदूरों, ठेला लगाने वालों आदि को तत्काल राशन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि अब तक 258 लोग कोरोना वायरस के शिकार बन चुके हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस के 35 नए मामले सामने आने के बाद भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर शनिवार को 258 हो गई है। इन 258 लोगों में से 39 विदेशी नागरिक हैं। इन विदेशी नागरिकों में 17 इटली के, 3 फिलीपीन के, 2 ब्रिटेन के तथा कनाडा के, इंडोनेशिया एवं सिंगापुर का एक एक नागरिक है। इस आंकड़े में दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस के 35 नए मामले सामने आने के बाद भारत में इस वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर शनिवार को 258 हो गई है। इन 258 लोगों में से 39 विदेशी नागरिक हैं। इन विदेशी नागरिकों में 17 इटली के, 3 फिलीपीन के, 2 ब्रिटेन के तथा कनाडा, इंडोनेशिया एवं सिंगापुर का एक एक नागरिक है। इस आंकड़े में दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए कुल 4 लोगों की मौत के मामले भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APNS News।